हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। घटोत्कच ने कौरव सेनापति के होश ठिकाने लगा दिए। भीम भैया, आपका पुत्र तो आपसे अधिक कौरवों का विनाश कर रहा है। मित्राला युद्ध, इस राक्षस घटोत्कच ने कौरव सेना की नाक में दम कर रखा है। तुम्हें इस मायावी युद्ध का उत्तर देना होगा। चिंता ना करो मित्र, इससे मुझे भी बदला लेना है। पिछली बार वो बच गया था, इस बार या ये नहीं या मैं नहीं। तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। मामा श्री की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना अच्छा नहीं है मित्र। मैं तुम्हारा सेनापति हूं, सेनापति मुझ पर भी तो विश्वास रखो। तुम्हारी जीत अवश्य है मित्र, अवश्य है। घटोत्कच तुम्हारे विजय पथ का रोड़ा है, मैं कल उसे अवश्य ही रास्ते से हटा दूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण। भांजी कुछ करो, भीम के इस राक्षस पुत्र का वध करने का तुरंत उपाय सोचो, नहीं तो आज ये हमारा सर्वनाश कर देगा। हाँ मामाश्री, घटोत्कच का वध अवश्य होगा, अवश्य होगा। देख लिया पार्थ, घटोत्कच ने कौरव सेनापति के होश ठिकाने लगा दिए। भीम भैया, आपका पुत्र तो आपसे अधिक कौरवों का विनाश कर रहा है। युवराज, भीम के इस मायावी पुत्र का सहज वध करने के लिए हमें मायावी युद्ध करना चाहिए, अन्यथा कारण हमें अधिक विनाश सहन करना होगा। हाँ भांजी हाँ, तुम ठीक कहते हो मित्र, परंतु ये मायावी युद्ध करेगा कौन? अलंबुस और अलायुद्ध, हमारे राक्षस मित्र। मैं समझ गया, मैं अभी दोनों का आवाहन करता हूं। मित्र अलायुद्ध, तुम्हारे मित्र दुर्योधन को तुम्हारी सहायता की परम आवश्यकता है। कृपया प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज, इसलिए आह्वान किया है मित्र। मित्र अलायुद्ध, इस राक्षस घटोत्कच ने कौरव सेना की नाक में दम कर रखा है, तुम्हें इस मायावी युद्ध का उत्तर देना होगा। चिंता ना करो मित्र, इससे मुझे भी बदला लेना है। पिछली बार वो बच गया था, इस बार या ये नहीं या मैं नहीं। आप हमें आज्ञा दीजिए मित्रों। विजयी भव। अच्छा, अब तुम दोनों मुझसे युद्ध करने आ गए। हाँ, तुम्हारा वध करने आए हैं। हाँ।
संहार शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे इस घटोत्कच के रूप में मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आया है। भांजे, अपने दुर्भाग्य का रोना रोने के बदले अपने सौभाग्य को आवाज दो। अर्थात ये कि तुम्हारे इस दुर्भाग्य को अंगराज कर पल भर में नष्ट कर सकते हैं। परंतु मामा श्री, घटोत्कच को नष्ट करने के लिए हमने अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं। नहीं अंगराजगण, एक शक्ति अब भी तुम्हारे पास शेष है। घटोत्कच को मारने का प्रयास तुम्हारा तब पूरा होगा जब तुम अपने शस्त्र भंडार से उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे जो देवराज इंद्र ने तुम्हें प्रदान किया है। नहीं मामा श्री, उस शक्ति पर मैंने केवल एक नाम लिख रखा है, अर्जुन का नाम। घटोत्कच के लिए मैं उस अमोघ शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। यदि तुमने इस समय अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो अकेला घटोत्कच ही कौरवों को संपूर्ण रूप से पराजित कर देगा। हाँ, अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी और पर इस अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता मामा श्री। चाहे घटोत्कच हम सबका सर्वनाश कर दे, मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि मैं ये शक्ति केवल अर्जुन पर ही प्रयोग करूंगा।
चुके अर्जुन के वध करने का अर्थ है युवराज दुर्योधन की विजय। लगता है उस विजय का सपना पूरा होने से पहले कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। मामा श्री ठीक ही तो कह रहे थे कर्ण, तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। मामा श्री की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना अच्छा नहीं है मित्र। मैं तुम्हारा सेनापति हूं, सेनापति मुझ पर भी तो विश्वास रखो। कर्ण, ये दुर्योधन अपने आप पर जितना विश्वास नहीं करता उतना तुम पर करता है, तुम पर। परंतु मामाश्री गलत भी तो नहीं कह रहे थे। आज केवल एक राक्षस ने युद्ध का सारा पासा ही पलट के रख दिया। उसके पैरों तले हजारों कौरव सैनिक कीड़े मकोड़ों की तरह रौन डाले गए। हमारे महारथी योद्धा केवल तमाशा देखते रह गए और उसकी माया तो जैसे कोई महामारी बन गई थी, महामारी। वो युद्ध भूमि में जहां से गुजरता था वहां लाशों के ढेर लग जाते थे, ढेर। ऐसे में यदि भामाश्री ने तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने की सलाह दी थी तो वो उचित थी कर्ण, उचित थी। भामाश्री दूरदर्शी नहीं है मित्र, वे एक स्वार्थी की भांति केवल आज की सोचते हैं, परंतु मैं आने वाले कल के बारे में भी सोचता हूं। मैं भी कल के बारे में सोच रहा हूं कर्ण, कल ही के बारे में। यदि आज की तरह घटोत्कच को एक और दिन खुला छोड़ दिया गया तो युद्ध भूमि पर योद्धाओं की लाशें बिछी होंगी और उन लाशों पर पांडव अपनी विजय का तांडव नाच नाच रहे होंगे। जो काम अर्जुन और भीम इतने दिनों तक नहीं कर सके वो काम घटोत्कच दो दिन में ही कर देगा। कर दो दिन में। क्या मैं मर गया हूं जो तुम ऐसी निराशजनक बातें कर रहे हो? मेरे जीते जी कौरवों का संपूर्ण विनाश असंभव है, असंभव। पांडव अपनी जीत का झंडा मेरी लाश के सीने पर ही गाड़ सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जीत अवश्य है मित्र, अवश्य है। घटोत्कच तुम्हारे विजय पथ का रोड़ा है, मैं कल उसे अवश्य ही रास्ते से हटा दूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण, यही आशा थी। तो कल तुम घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे ना? नहीं मित्र, अमोघ शक्ति के अतिरिक्त मेरे अस्त्र भंडार में और भी कई शक्तियां हैं जिनका मैं कल प्रयोग करूंगा। बस आज के दिन तुम धीरज से काम लेना और मुझ पर विश्वास रखना। आज का दिन घटोत्कच के जीवन का अंतिम दिन है, अंतिम दिन।